और पहली बार भाई मैं कैसा मिला हूँ ये तो बता दे। तू तो तगड़ा है यार, तू जान मेरी लग गई, यू नो फिलकारियां ये सेक्सी था भाई कैसा हुआ बता, प्रेशर हो ना आप लोग, ब्लॉगर हो गया। हाँ भाई तभी भाई फाइनली वेटिंग एरिया के अंदर बैठे हैं। एक भाई और मिला था जो कि अपने आगरा से आया है, भाई का तो फर्स्ट टाइम था और मेरा बहुत सारे अटैम्प्ट हो चुके हैं तो बताऊंगा नहीं कौन सा टाइम था। भाई इलाहाबाद बोर्ड है जो कि रिजेक्शन सेंटर बताया जाता है, इस बार देखते हैं सिलेक्शन लेके रहेंगे। और अभी टाइम हो रहा है 2:35, वेटिंग एरिया में बैठे हैं। सोच रहा हूँ 4 बजे तक सो लूँ, उसके बाद नहा धो के फिर निकल जाऊँ। आप इसी देखते हैं सारे सो रहे हैं, वो भाई मिले हैं टोली बैग वाला। मैं इधर बैठा हूँ भाई काउंटर पे, चेकिंग जो करते हैं एसी का, जगह ही नहीं। तो मिलते हैं भाई जाके एसएसबी के अंदर, बाहर से रेडियो के फिर एक वीडियो शूट कर दूँगा। और इस बार मूछ रख ली है, लास्ट टाइम मूछ नहीं रखी थी, सो देखते हैं कैसा क्या व्लॉग बन पाता है। लास्ट टाइम तो काफ़ी अच्छा व्लॉग बना था, तो मिलते हैं भाई तैयार होने के बाद। बाय। तो अभी भाई फाइनली तैयार हो चुके हैं, मैं वेटिंग एरिया में बैठा हूँ, 5 बज गए हैं अभी, जस्ट कैब करेंगे और निकलेंगे। 4 से 5 भाई और मिले हैं जो कि तैयार हो रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लिप के अंदर उनको। ये तैयार हो रहा है भाई, ये एक भाई तो ये है, ये भाई इधर का ये है, रात को मिला था सबसे पहले, एक ये है, ये डॉक्यूमेंट अपना चेक कर रहे हैं। तो भाई अब एसएसबी सेंटर मिलते हैं जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पूरा प्रोसेस होता है, कैसे एंट्री होती है, कहाँ लाइन करनी होती है, कौन सी रोड पे जाना होता है। तो अपन अब जाके बात करते हैं एसएसबी सेंटर के अंदर, स्क्रीनिंग कैसे होती है पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा, जहाँ तक कोशिश रहेगी वहाँ तक। बाकी पकड़ लिया तो फ़ोन फूट जाएगा। और लास्ट वाली वीडियो मैंने काफ़ी चीज़ें दिखाई थी, इस वाली वीडियो में काफ़ी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। लास्ट वाले वीडियो के अंदर क्या हुआ था कि मैं लेके चला गया था फ़ोन अंदर ही 5 डेज़ के अंदर, ठीक है, 2 फ़ोन लेके गया था। इस बार मेरे पास एक ही फ़ोन है तो हो सकता है लेके जा पाऊँ नहीं जा पाऊँ, बट मैं कवर करूँगा चीज़ें छुप छुप के। और चलो यार भाई मिलते हैं फिर बाद में, टाटा। मैं और निकल चुके हैं भाई, क्या नाम है, धीरज यादव और भाई नवीश यादव निकल चुके हैं एसएससी देने के लिए। आप देख सकते हो ट्रॉली साथ में, तो मिलते हैं सेंटर के ऊपर। तो भाई निकल रहे हैं करप्पा रोड के लिए जो यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ जाता है, आप देख सकते हो। तो आप जैसे ही यहाँ पे बाहर आओ तो आपको प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद कई ऑटो वाले से मिल जाते हैं, तो मेरा यही सजेशन है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लें और उसके बाद रीज़नेबल रेट्स होती है, जैसे हमने लिए 50 में 2, 25-25 रुपये भाई ठीक है एकदम, मतलब सुबह सुबह। तो अब ये देख सकते हो निकल चुके हैं भाई, सवारी कहाँ तक रहती है कहाँ तक नहीं रहती, सफ़र दिखाते रहेंगे आपको। वीडियो के एंड तक बने रहना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे वीडियो और पूरा पता रहे। बिकॉज़ काफ़ी लोग होते हैं जो कि सुबह सुबह बेचारे लुटे जाते हैं, 200-250 रुपये दे देते हैं पहुँचने के लिए, तो ये चीज़ नोटिस कर लेना आराम से। बाकी अब आगे का दिखाते हैं। ये आ गया भाई टैंक और ये आ गया वो करेपा, ठीक है। और ये कुछ बच्चे खड़े हैं, अभी हो जाएंगे यहाँ पर 150 जितने भी आए, और ये जा रहे हैं, ठीक है, थैंक यू भैया, बाय। ये हो गया भाई उजाला, तो बज गए हैं 5:40, धीरे धीरे भीड़ आ रही है, आए जब थे 7, अब हो गए हैं 50। ये देखो भाई, एक तो भाई उसी में आ गया लाल कपड़ा डाल के, दिख रहा है वो, उसमें यार ज़्यादा जूम नहीं हो रहा, नया फ़ोन ले लिया है, ठीक है। ये देखो हम खड़े हैं साइड में, उतर जाएंगे फिर बोलेंगे यार भैया आप तो आ गए बनाने वाले, सुबह मिले थे 2 बंदे बोल रहे थे हमने आपकी वीडियो देखी थी। तो भाई मैं लगाऊंगा अभी मास्क थोड़ी देर में। ये है भाई रिपोर्टिंग डेट, लो पास 60-70 की है और एंट्री स्टार्ट होगी उधर से गेट से, ये आप देख सकते हो।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप देख सकते हो सब अपने अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल के बाहर खड़े हैं। तो भाई डॉक्यूमेंट्स के अंदर कंप्लीट रखें, एक वो डोज वाला सिस्टम चल रहा है आरटीपीसीआर वाला, अगर दोनों डोज नहीं है तो आरटीपीसीआर, ना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लेके आएंगे यहीं बाहर हो जाओगे आप, ठीक है। और ये क्या चल रहा है, साइन करवा रहे हैं भाई। ये भाई अपना एडमिट कार्ड चेक करा के बैठ गए हैं, एक होल इधर है एक होल इधर है, डॉक्यूमेंट चेक हो गए तीन डॉक्यूमेंट, आधार आईडी चेक कर लिए, एडमिट कार्ड चेक कर लिया और वैक्सीनेशन का चेक कर लिया। इधर वेट कर रहे हैं, सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे फिर अपना स्क्रीनिंग होगी। फाइनली हो गए डॉक्यूमेंट्स चेक और थोड़ा टाइम और लगेगा, दो डॉक्यूमेंट चेक हैं आईडी और एप्लीकेशन फॉर्म, एंड देन अभी बस वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं कब आए कब जाए। ये भाई बैठे रेड टाई वाला, मेरे छोटे बनी है पीछे, ये देखो झुंझुनू गए। ब्रेकफास्ट करने चलते हैं भाई, अब लेंगे नाश्ता, कुछ तो ले ही रहे हैं, मार्च पीछे रह गया भाई, अंदर पहुंच लिए, चलो मैस मिलते हैं। ये भाई मैस मस्त अच्छा लगा, ऐसा सब चल रहा है। ये भाई हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है, ये इधर पुराने कैंडिडेट्स बैठे हैं जो कि रिकमेंड हो चुके हैं। भाई कैसा हुआ बता, प्रेशर हो ना आप लोग, ब्लॉगर हो गया? हाँ भाई, ओ भाई तभी तो कैमरा ले खड़ा हो गया। तो भाई 46 चेस्ट नंबर बताया, वो यार कैसी गई आपकी? वो बहुत सेक्सी गई, बहुत सेक्सी गई। उसके बाद में जीडी बोल भाई कट करना पड़ा, कोई ना कोई ना, चेस्ट नंबर 33 बताया, थोड़ा सिंसियर लग रहा है भाई, बताइए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी गई वो यार, फर्स्ट वाली अच्छी थी, सेकंड वाली थोड़ी सी ऊपर नीचे, बट नरेशन में ठीक ठाक, जीडी भी ठीक ठाक सब। अच्छा भाई कमेंट स्टोरी आ गई थी आपके ग्रुप डिस्कशन में, फाइनल स्टोरी आई थी, पर जिसको मैंने नॉमिनेट किया था उसने अपनी स्टोरी बता दी। तो भाई उसकी एसटीसी हो गई, उसको नहीं होना। तो भाई चेस्ट नंबर 44 से और बात करें, 34 आप ही का फर्स्ट टाइम था ये? हाँ। अच्छा कैसा रहा आपका? बढ़िया रहा सर, बढ़िया रहा। रीजनिंग कैसी हुई? रीजनिंग वायर सही रहा, सही रहा या फिर अच्छा गया? अच्छा रहा, अच्छा रहा। छूटे थोड़े ना कुछ? नहीं छूटे तो नहीं। तो आप क्या कहना चाहोगे, मतलब जो बाकी एसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहोगे, कैसे आना चाहिए प्रिपेयर करके? छत्तीस भाई। अच्छा ये बताओ तुम्हारे ग्रुप में किसी ने हिंदी में बोला था क्या? जैसे मेरे ग्रुप में एक ने बोला था कि फैक्ट्री व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्या बोला था भाई, डायलॉग बताना बोला भाई। मैंने हिंदी में ही बोल दिया, जो जहाँ पे बोला मैंने मैंने लिख दिया है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। एक हमारे ग्रुप में बोलता है कि आग लग गई थी तो किलकारियां माने लग गए, यू नो किलकारियां। ये सच्ची था भाई। आप कहाँ से हैं? नागालैंड। नागालैंड, गिव योर इंट्रोडक्शन। वेल माय नेम इज यूनिटी रुकुई, आई गो बाय आर्टिंग and I'm done with my graduation, I'm preparing for SSB. Okay. Well. तो आप अपने साइड वालों बंदों क्या कहना चाहोगे? बाकी हरियाणा राजस्थान में अपने हिसाब से जाता हूँ, आपके साइड के जो ना, आप इधर का एक्सपीरियंस कैसे शेयर करना चाहेंगे? First time. So far so good. Let's see. Let's hope for the best. Okay. So waiting for results. Yes. Nice. Thank you. Thank you. चलो मास्क कैसे लगा रखा है? Enjoy the title. Enjoy the title. किसका टाइटल? स्टोरी का टाइटल एंजॉय करना है। कल बेसिकली मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ एसएसबी की, तो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, वेयर आर यू फ्रॉम एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस। माय नेम इज चंद्रकीर्ति सिंह। प्लीज रिमूव योर मास्क। ओके, माय नेम इज चंद्रकीर्ति सिंह, आई एम फ्रॉम नागपुर, काउंटी महाराष्ट्र। ओके, एंड माय एक्सपीरियंस वाज Good. Not bad. Okay. Like average. So इन्हें योर ग्रुप कॉमन स्टोरी दी गई थी या फिर फिश मार्केट हुआ था? No, it was really good. अच्छा तो ग्रुप को डिवाइड किया था, फिर एक ही ग्रुप में सब कुछ हो गया था? It was perfect, I think. Okay. It was not a fish market. So now you are waiting for results. Is result good or bad? What you do? I think it is average. अगर बैड आया तो ट्रेन पकड़ लेंगे, गुड आया तो डॉक्यूमेंट चेक करा देंगे। चलो ठीक है, थैंक यू भाई, नाइस टू मीट यू। भाई ये आ गया हमारे उत्तराखंड से, कहाँ से भाई? मैं गुजरात से। गुजरात से भाई, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छे लोग मिले यहाँ। अच्छा भाई मेरे ग्रुप में था, काफी अच्छा मतलब इनका रहा था और इन्होंने कमेंट स्टोरी भी दी थी। अरे तुम लोगों का सपोर्ट है, हमें तो कुछ नहीं। अरे भाई हमारा बहुत कम रिपोर्टिंग है, बहुत शानदार महसूस हो रहा है, भगवान करे हम दोनों मिलकर हो जाए स्क्रीन। और भाई अब ये बताओ कि रिजल्ट अच्छा है तो क्या करोगे और बुरा है तो क्या करोगे?
रिजल्ट अच्छा आया तो उस चीज को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और दोस्त बनाएंगे और आए तो एक्सेप्ट करेंगे गलती हो गई और इंप्रूव करेंगे। ट्रेन की टिकट करवाई नहीं करवाई? ट्रेन की टिकट तो फिलहाल नहीं करवाई है, बट सही है करवाना मत। आई होप अच्छा रिजल्ट आया आपका, चेस्ट नंबर 144 सेलेक्ट हो। बिल्कुल ओके सर, थैंक यू सो मच। भाई फोटो शूट चल रहा है, फोटो शूट क्यों कर रहे हो भैया? मना किया गया था ना, फोन फोड़ गया आपका ये चेस्ट नंबर 24। भाई खाना खाने के लिए आ चुके हैं, लंच हो गया, बाकी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और हो सकता है अगर भाई इन हो गया भाई तो वीडियोस नहीं बन पाएंगी एंड कोशिश करूँगा फ़ोन लेके जाने की अगर बना पाया तो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी इंट्रोडक्शंस भी ले लिए बच्चों से, भाई अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, रिपोर्टिंग भी कम थी। अब देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। भाई हाथ धो रहा है, भाई हाथ क्यों धो रहा है? खाना खाना है। अरे आपके टैटू है ना, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा भाई बताओ? भाई मैं यूट्यूब पे बनाता हूँ, कैसा रहा आपका, क्या बोलते हैं, जीडी ठीक था, बाकी आपका नरेशन ठीक था? नरेशन इस भाई का ठीक था। भाई नाम क्या बता दो यार? मोहित शर्मा। मोहित शर्मा कहाँ से हो? हिमाचल से। अभी गोरे चिट्टे हो रहे थे। भाई खाना लग चुका है, लाइन लग रही है और 144 मैंने पकड़ लिया। भाई सबसे पहले ले रहा है खाने, ये भाई ये तेरी निकल गई ऊपर, ऊपर कर लो भाई। आप देख सकते हैं ये है 11th SSB बोर्ड इधर, ठीक है। और बाकी इधर की बात करें, ये अपना ओपन स्पेस है टी पार्टी के लिए, आप चेयर्स वगैरह देख सकते होंगे। उधर अपने बच्चे वेट कर रहे हैं। ये इधर अपना बैरेक है सामान वामान रखने के लिए। और ये अगेन खाली स्पेस आ जाता है, ये पार्किंग है। और सामने जो हॉल दिख रहा है ये इधर भाई, वो सब कुछ हॉल है जहाँ सब कुछ चलता है। ये जो बच्चे निकल के आ रहे हैं, ये अपना भाई PPNDT दे के आ रहे हैं ग्रुप इंडिस्ट्रेशन। ये जो हॉल है सामने 11th SSB बोर्ड का देख सकते हैं। और ये जो रोड जा रही है, ये अपनी जा रही है बाहर, बाहर बोल रहे जहाँ से अपन ने एंट्री ली थी। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा व्यू दिखा दिया आपको मैंने। भाई नीचे कैसे बैठे हो? नीचे कैसे बैठे भाई, कहाँ गए बाल? SSB दे के उड़ गई है। भाई ने चश्मा हटा के बोला था, अभी भी आई सुपर ही है, सेम ऐसी थी, देख लेना वीडियो में, वीडियो डालूंगा। अरे भाई क्या करेगा, आंख है साला ऐसे। चश्मा लगा के बोलता ना भाई। चलो ये बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस? ठीक ही रहा, ठीक ही रहा। अरे आवाज़ में दम ही नहीं आ रहा, मतलब ठीक नहीं रहा, बोलना नहीं चाहता। अफसर अफसर बनो यार, चेयर वेयर साफ कराओ यार, डस्ट वस्ट पड़ी है। हाँ बोल बोल के जो एंथुसियाज्म है साला, तीन चार। अच्छा ये भी आपके ग्रुप में है ना? और चिकने क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कहाँ से हो? हिमाचल से। हिमाचल वाले सारे गोरे गोरे हैं भाई, शायद हैदराबाद के ना। ये भाई वही हॉल है जो जहाँ स्टोरी दिखाई जाती है, PPNDT कराया जाता है, वो यार कराया जाता है, आप देख सकते हो। इलाहाबाद कल्याण बोर्ड कुछ इस प्रकार से है। ये देख भाई, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना नवीश राव के नाम से।